पच्चीस से बढ़कर बीस हजार से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत एस एस 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एस एस सी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है बीस से ज्यादा बच्चों की जिंदगी तो अब है आपकी बारी पाइए सी जी डी दो हजार बाईस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला चादुई बैच फौजी बैच मात्र तीन सौ निन्यानवे रूपए में तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एस एस सी मेकर का फौजी बैच और करे एस एस सी जी डी में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की सोलैड प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताए तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाए कॉपी पेन ले बैठेंगे और आप सभी के सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे क्योंकि आज जो आप लोगों की क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है शानदार क्लास होने वाली है और जबरदस्त क्लास होने वाली है ठीक है तो सारे बच्चे जुड़ जाए और ये आपके आगामी एग्जाम एस जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे नोट जरूर करेंगे और मन लगा कि आप लोग तैयारी करिए देखिए ये साल बीत गया अब अगला साल कल से स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो अगले साल में ऐसा हो कि सारे बच्चों के पास एक गवर्नमेंट जॉब हो ठीक है इसी उम्मीद के साथ और इसी के साथ आप लोग मेहनत करिए लक्ष्य निर्धारित करिए मेहनत करिए और सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करिए चलिए आप सभी को गुड इवनिंग देखिए कैसे साल बीत गया अभी कुछ ही महीनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हैप्पी न्यू ईयर सर बोल रहे थे आज ये साल का आखिरी दिन है ठीक है तो पहले दिन से स्टार्ट करके आखिरी दिन तक पढ़ा रहे फिर अब कल से आपकी फिर से क्लास स्टार्ट होगी और अगले साल में जो होगी आपकी सिलेक्शन पक्की होनी चाहिए ठीक है चलिए सारे बच्चे जुड़ गए हैं अच्छी बात है तो बच्चों ये रीजनिंग का सोलहवा क्लास है इससे पहले आप लोगों की पंद्रह क्लास हो चुकी है पीछे की क्लास नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये जो पार्टवाइज क्लास चला रहे हैं इसमें हम आप लोगों के लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं ठीक है तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखेंगे और साथ में आंसर भी देंगे जो पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है

आवाज क्लियर है ना कोई दिक्कत तो नहीं है एडवांस में चलिए एडवांस में ही आप लोगों को सफलता मिले इसके लिए भी बधाई हम आप लोगों को दे रहे हैं ठीक है क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं बीस चौबीस देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या सीरीज चल रही है 20, उसके बाद से क्या है चौबीस उसके बाद से है तैतीस फिर आगे है क्वेश्चन मार्क फिर आगे बच्चों क्या है वन जीरो सेवन एक सौ सात एक सौ कितना है एक सौ एक सौ सात है फिर उसके बाद से दो सौ अट्ठाईस है फिर तीन सौ संतानवे है तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा क्या लॉजिक लगा रहे हैं देखिए ना समझ में आया डिफरेंस देख लीजिए अंतर अंतर देखिए अंतर लॉजिक भी आप बताइए लॉजिक क्या लगा रहे हैं ये आप लोग बताएंगे जरूर देखिए लॉजिक देखिए लॉजिक नहीं बता रहे देखिए 20 से 24 हुआ यानी चार बढ़ा है 24 से 33 हो गया तो 24 छह तीस तीन तैतीस यानी कि 9 बढ़ा है आगे क्या बढ़ेगा अभी ये क्लियर तो नहीं है और यहां से कितना बढ़ा है यह भी क्लियर नहीं है जब तक तो यहां पे संख्या ना एक 107 से 228 जाएंगे तो 121 बढ़ा हुआ है कितना बढ़ा हुआ है 121 देखिएगा 107 से 228 हो रहा है तो 121 बढ़ा हुआ है फिर आगे बच्चों देखेंगे दो से कितना हो रहा है तीन ध्यान दीजिएगा अब इसे देखेंगे यह कितना हुआ है आप सात में से आठ नहीं जाएगा सत्रह में से आठ जाएगा तो कितना हो जाएगा नौ। फिर उसके एक, एक सौ तो देखा जाए तो कहीं कही ना कहीं बच्चों संख्याएं जो बढ़ रही है ना स्क्वायर के रूप में ही बढ़ रही है किसके रूप में बढ़ रही है स्क्वायर के रूप में देखिए यहां पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे स्क्वायर है ये तीन का स्क्वायर है और यह क्या है बच्चों ग्यारह का स्क्वायर है और यह क्या है यह तेरह का स्क्वायर है ठीक है तो बीच में क्या होगा दो तीन अगर देखा जाए तो दो तीन अगर चार कर देंगे फिर पांच फिर ग्यारह नहीं होगा समझ रहे ऐसे नहीं होगा ठीक है हां यह मत करिएगा कि चार का स्क्वायर बढ़ाइएगा देखिएगा चार का स्क्वायर बढ़ाएंगे तो सोलह हो जाएगा ठीक है नहीं ऐसा नहीं करना है अगर देखिए दो तीन यहां पे थोड़ा सा और दिमाग लगाए तो ग्यारह तेरह है दो तीन है अगर प्राइम नंबर की बात करें बच्चों किसकी बात करें या अगर प्राइम नंबर की गैप की बात करें प्राइम नंबर की अगर हम गैप की बात करें तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दो के बाद तीन तीन के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है पांच पांच का अगर यहां पर बच्चों स्क्वायर होता पांच का स्क्वायर होता तो यहां पर क्या हो जाता यहां पे हो जाता 25. अगर 25 करे तो ये पांच तीन क्या हो जाएगा आठ और तीन दो पांच अंठावन और पांच के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है सात सात का स्क्वायर यहां पे क्या होगा बच्चों यहां पे सात का स्क्वायर अगर देखा जाए सात का स्क्वायर होगा उनचास अगर उनचास देखे तो नौ आठ सत्रह का सात हासिल एक पांच चार नौ एक दस क्लियर है अब देखिए सात के बाद अगला प्राइम नंबर नौ प्राइम नंबर नहीं है देखिएगा दो प्राइम नंबर है तीन है पांच है सात है नौ प्राइम नंबर नहीं है उसके बाद से ग्यारह फिर तेरह पंद्रह नहीं है सोलह सत्रह उसके बाद सत्रह फिर उन्नीस ऐसे जाता है ना तेईस मतलब प्राइम नंबर क्या होती है अब आज संख्या अभाज्य संख्याएं किसे बोला जाता है वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसमें किसी संख्या से जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो मतलब एक और स्वयं से एक और स्वयं से तो सारी होती है मतलब उसमें किसी भी संख्या से भाग ना दिया जा सके बताइए ग्यारह को किसी संख्या से काट सकते हैं तेरह को काट सकते हैं सत्रह उन्नीस तेईस को किसी संख्या से आप काट सकते हैं उन्तीस आ जाए सामने तो आप किसी संख्या से उसको भाग दे सकते हैं नहीं एक और उन्तीस के सिवा अन्य किसी से उन्तीस कटेगा ही नहीं तो ये प्राइम नंबर का गैप पे आधारित ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 58 होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही होगा और जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं हां जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं डी एकदम सही है वेरी गुड हाँ फिफ्टी एट आंसर होगा वेरी गुड समझ में आ गया है इसी के साथ आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भी सीरीज का ही है काफी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर आप लोग देंगे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए अभी धीरे धीरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे भी मिलने वाले हैं प्रश्नों को देखते रहिए क्वेश्चन है, है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह नीचे दी गई अक्षर समूह श्रृंखला देखिएगा अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखेगा आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा यहां पे देखिएगा अक्षरों का एक समूह चल रहा है श्रृंखला के ही रूप में ठीक है सीरीज के रूप में तो इस क्वेश्चन बाद में क्या आएगा आप सभी को बताना है तो देखिए है क्या यू UH, एच उसके बाद से क्या है बी डी उसके बाद से क्या है आई ए फिर उसके बाद से क्या है बच्चों पी वाई ध्यान दीजिएगा फिर आगे क्या होगा पूछ रहा है तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे बताए तो हिंदी और जीके का मिनी मॉक टेस्ट दो सर अच्छा मिनी मॉक टेस्ट पढ़ रहा है हिंदी का भी जीएस का भी एक बार ऐप पे आप जाके चेक करिए कल से आपकी सारी चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी नए साल में और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई होने वाली है ठीक है नया साल 2024 आप लोगों का यादगार साल होना चाहिए और ऐसा साल होना चाहिए कि आपको जीवन भर याद रहे कि दो में मेरी नौकरी हुई थी पहली ठीक है हाँ पहली नौकरी क्योंकि हो सकता है आगे आप चल के आप 2024 में आगे आप चल के आई एस पी एस बने और बड़े आप ऑफिसर बनेंगे ठीक है अलग अलग क्षेत्र में आप नाम रोशन करेंगे तो 2024 आप लोगों के लिए एक अच्छा यादगार होना चाहिए ठीक है चलिए बताइए क्या होगा देखिए ना समझ में आए देखिएगा नंबरिंग कर लीजिए यू कितने नंबर पे आता है 21 पे एच कितने पे आता है आठ पे बी कितने पे आता है दो पे डी चार पे आई नौ पे ए आता है एक पे पी आता है 16 पे और Y आता है 25 पे तो आगे बताना है कुछ नहीं करना है बच्चों जब ऐसे मिक्स टाइप के क्वेश्चन है ना तो एक एक देखेंगे देखिएगा कहने का मतलब है ध्यान देंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे देखिएगा 21 से ये क्या हो गया है बच्चों दो हो गया है ठीक है देखिएगा 21 से दो हुआ है और दो से नौ हुआ है नौ से सोलह हुआ है कुछ समझ में आ रहा है अल्फाबेट में अगर बात करें यह नंबरिंग में नहीं बात की जा रही है यह अल्फाबेट में बात हो रही है तो अल्फाबेट में बार बात हो रही है तो 21 से यह दो हुआ है मतलब यह प्लस का क्या हुआ है सात 21 सात 28 28 तो होता नहीं 26 तक होता है 26 प्लस दो अट्ठाइस होता है और दो का मतलब भी और देखिएगा दो से नौ पे जाएंगे तो यह भी प्लस हुआ सात नौ से दोस्तों सोलह पे जाएंगे तो ये भी प्लस हुआ क्या सात और सोलह से बच्चों आगे बढ़ेंगे तो फिर प्लस होगा सात तो सोलह और सात जुड़ के तेईस तेईस का मतलब क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा तो देखेंगे डब्लू से कई ऑप्शन है पहला है दूसरा है और चौथा भी है अभी आंसर नहीं देंगे फिर दूसरा वाला चलिएगा कौन वाला दूसरा वाला दूसरा वाला अगर हम बात करें बच्चों यहां पे आठ से देखिएगा आठ से चार हुआ चार हुआ मतलब हुआ क्या ये माइनस का कितना हो गया चार हो गया फिर बच्चों चार से ये क्या हो गया चार से एक हो गया तो ये माइनस का तीन हो गया फिर एक से बच्चों ये पच्चीस हो गया तो एक चला जाएगा फिर जेड जाएगा मतलब ए गया और जेड गया समझ रहे फिर वाई आएगा यानी एक से पच्चीस हो गया तो ये माइनस का क्या हो गया दो अब यहां पे बच्चों आगे क्या हो जाएगा माइनस का वन क्योंकि माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन अब ये एक से पच्चीस माइनस टू कैसे हुआ समझना है आपको अल्फाबेट में सोचना है ए जाएगा फिर पीछे की तरफ बढ़ेंगे जेड जाएगा फिर उसके बाद वाई आएगा मतलब दो का गैप क्लियर है समझिएगा ए तो गया ही गया गैप नहीं दो ए तो गया फिर जेड गया फिर वाई ऐसे समझना फिर बच्चों यहां पे माइनस क्या करेंगे वन तो वाई में से क्या करेंगे एक कम कर देंगे तो वाई में से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स आंसर होगा डब्ल्यू एक्स क्या आंसर होगा डब्ल्यू एक्स बस ऑप्शन नंबर डी आसान है बहुत ही आसान है बताइए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन क्लियर है समझ में आया कि नहीं ये बताइए समझ में आ गया तो आगे चलेंगे नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे एक साथ पहले आप सारे बच्चे कमेंट करके बताएं समझ में आया है या नहीं आया आ गया तो आगे चलेंगे और समझ में आ गया है तो आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करिए मन लगा के पढ़िए और कोशिश

तीन सौ साठ और है क्या बच्चों इसमें पांच ठीक है ये है अब देखिए इसमें करना क्या है समुच्चे वाले ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए सेट वाले तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको बस इन दोनों को देखना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन दोनों को देखने का एक तरीका है तरीका यह है कि आप देखिए छोटी और बड़ी संख्याएं कहां पे क्या देखेंगे छोटी और बड़ी संख्याएं जैसे बात करें बच्चों इसमें 10 और 5 छोटी संख्या है जबकि 450 बड़ी संख्या है तो 10 और 5 को कुछ ऐसा करिए 450 हो जाए इधर देखेंगे तो 85 छोटी संख्या है जबकि 360 बड़ी संख्या है तो आठ पांच को ऐसा कुछ करिए कि ये क्या हो जाए 360 हो जाए सोचिए दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए 189 कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत अच्छे क्या बात है समझ में आ गया ऑप्शन नंबर सी आंसर दिए जा रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे लॉजिक भी बता दे हो क्या रहा है नौ गुना हो रहा है गुना करके <laughs> देखिए कुछ नहीं है अगर जोड़े तो दस पांच पंद्रह तीस गुना करेंगे तो होगा आठ पांच तेरह तेरह का तीस गुना करेंगे तो तेरते उन्तालीस तीन सौ नब्बे ऐसा नहीं है तो लेकिन अगर देखा जाए दस गुने पांच कर दे दस गुने पांच तो पचास और पचास का क्या करेंगे ये दस गुने पांच के ना तो इसका नौ गुना कर दीजिए दस पच्चीस पचास पचास नवा क्या होगा 450 कितना गुना किए हैं नौ गुना किए हैं तो इधर देखिए अगर ऐसे ही करें बच्चों आठ गुने पांच आठ पच्चे चालीस और चालीस का भी अगर हम नौ गुना करें तो चार नवा छत्तीस तीन सौ साठ समझ रहे हैं ये 360 हो रहा है क्या कर रहे हैं इधर भी नौ गुना यानी पहला और आखिरी संख्या का आपस में गुना करके उसका नौ गुना करने पे बीच वाला नंबर मिल रहा है तो चलिए अगर इधर देखें नौ गुने तीन क्या करेंगे नौ गुने तीन और इसका क्या करेंगे बच्चों नौ गुना तो नौ तीस और सत्ताईस गुने नौ करेंगे देखिएगा सत्ताईस गुने नौ करेंगे तो सात नौ तिरसठ का तीन अठारह अठारह छह चौबीस दो सौ तैतालीस जबकि यहां दो सौ तेईस है तो ये होगा नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो रहा है गुना करने पे टू फोर्टी थ्री हो रहा है और यहां पे दो सौ तेईस है नहीं हो रहा है चलिए अगर इधर देखे बच्चों सात गुने पांच तो ये हो जाएगा क्या देखिएगा सात गुने पांच सात गुने पांच ये हो जाएगा पैंतीस और गुने नौ तो पैंतीस गुने नौ करेंगे देखिएगा पैतीस गुने नौ करेंगे तो नौ पचे पैतालीस का नौ पचे पैंतालीस का पांच हाथी चार नीस सत्ताईस चार इकतीस ये हो जा रहा है क्या तीन सौ पंद्रह हो जा रहा है क्या हो जा रहा है तीन सौ पंद्रह जबकि यहां दो सौ पचासी है तो ये भी नहीं होगा इसे आप देखेंगे सात गुने तीन सात तरीके इक्कीस इक्कीस गुने नौ करेंगे तो क्या हो जाएगा वन एट नाइन एक सौ नवासी जबकि एक सौ नवासी यहां पर मौजूद है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्लियर है समझ में आया हाँ क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाकी आप इसे देखिए नौ छत्तीस गुने नौ करेंगे तो छ नवा चौवन लाखरी में चार लेकिन दो सौ चालीस है तो ऐसे ही नहीं होगा समझ में आया बताए क्लियर है क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे बताइए समझ में आ गया है यह क्वेश्चन क्लियर है 189 आंसर आ रहा है सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 189 189 देखिए तो ये सात के इक्कीस इक्कीस गुने नौ इक्कीस गुने नौ नौ एक कम नौ नौ दुना के नौ दुना के अठारह वन एटी नाइन यही तो होगा नौ कहा से आ रहा है हाँ बात यही है ये ना ये रीजनिंग है ना आ रहा है इसका दस गुना भी कर सकता है बारह गुना भी कर सकता है पंद्रह गुना भी कर सकता है सब में ये क्या कर रहा है आपस में गुना करके नौ गुना कर रहा है तो हम लोग भी अपने आप से नौ गुना करेंगे ठीक है बताइए समझ में आ गया हाँ सर अपने बाल को मनवाए हैं क्या सर कटवाते नहीं है अच्छा कटेगा किसी दिन समय मिलेगा तो चलिए आंसर से दे दिया आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बताइए आगे चले अगले क्वेश्चन के तरफ जल्दी से बताए क्लियर है समझ में आ गया सारे बच्चे ऐसा ऐसा कमेंट करें अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए तरीका पता है लॉजिक पता है कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता है तो चलिए आंसर दीजिए तो टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व करिएगा क्योंकि तरीका अब आप लोगों को इतना बता चुके हैं कि अब आपको बार बार मास नियम के पे एक एक स्टेप बताने की जरूरत नहीं है आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन है नीचे दिए गए समीकरण को गणती रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणती चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए बताइएगा इन ऑप्शन में से किन बदल दे कि ये बराबर का क्या हो जाए फोर्टीन यानी कि चौदह हो जाए बताइए इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे आंसर देंगे एक साथ आंसर देंगे हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों का आंसर आ रहा है देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एक चीज बताए थे 90 से 95 परसेंट क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों ज्यादातर देखे जाते हैं तो भाग वाले सिंबल पे ही ऐसे आधारित होते हैं और भाग वाले सिंबल से यह भी क्लियर हो जाता है दो तीन ऑप्शन में है होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा तो यह भी क्लियर होने के चांसेस रहते हैं तो आप देखेंगे भाग वाले सिंबल पहला में कह रहा है भाग और गुना मतलब जहां पे भाग है वहां पर गुना और जहां पर गुना है वहां पर भाग तो भाग करेंगे तो क्या अठारह से ये नौ कटेगा नौ से अगर अठारह रहता तो कट्ट अठारह के पहाड़ा में नौ आता है नहीं तो इसे हम चेक नहीं करेंगे ठीक है इसे हम चेक नहीं करेंगे ठीक है गलत नहीं बोल रहे चेक नहीं करेंगे फिर देखेंगे भाग ऑप्शन नंबर डी में भाग और प्लस तो भाग और प्लस जहां पे प्लस है वहां भाग देखिए जहां पे प्लस है वहां पे भाग और जहां पे भाग है वहां पे प्लस तो देखिएगा यहां पे अब आपको थोड़ा सा समझना है समझना ये है देखिए भाग और प्लस बोला है ना तो हम देखेंगे क्या कि ये भाग हो गया प्लस की जगह और भाग की जगह प्लस तो ये देखेंगे क्या ये कटेगा तो हां कटेगा तो इसे भाग देंगे तो पंद्रह हो जाएगा फिर यहां पे देखेंगे तो अठारह नवा एक सौ बासठ तो ये माइनस का एक सौ बासठ अब इधर कितना हूं आप कर लीजिए पंद्रह और सत्ताईस आप जोड़ लीजिए और उसमें से एक सौ बासठ घटा देंगे तो चौदह आएगा बताइए हाँ इसमें से आप घटाएंगे एक सौ बासठ तो चौदह आएगा नहीं तो इस ऑप्शन को भी हम चेक नहीं करेंगे क्यों क्योंकि गलत है भाग तो भले जा रहा है लेकिन समीकरण पूरा संतुलित हो रहा है संतुष्ट हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है नहीं तो नहीं चेक करेंगे अब बात आती है ऑप्शन नंबर बी की गुने और प्लस गुने और प्लस की बात आ रही है मतलब जहां पे प्लस है वहां पे क्या कर देंगे गुना और जहां पे गुना है वहां पे कर देंगे प्लस तो अब यहां पे देखेंगे कि ये गुने में हो गया पैंतालीस गुने तीन और ये हो गया भागे सत्ताइस तो देखेंगे तो ये क्या होगा ऐसे समीकरण हो जाएगा 45 गुने तीन और बटा का ये सत्ताईस तो तीन नौ है सत्ताईस नौ पचे पैतालीस पांच यानी इसकी जगह पे हो गया पांच ठीक है ये पांच हो गया है और उसके बाद से ये आपका अठारह अठारह में बच्चों पांच जोड़ेंगे तेईस और तेईस में बच्चों क्या करेंगे नौ घटाएंगे तो तेईस में से नौ जा तो हो जाएगा क्या चौदह क्लियर है यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहिए तो चेक कर देते हैं देखिए चेक करेंगे तो ये होगा 45 और गुने का तीन भागे होगा क्या 27 और माइनस नौ गुने होगा क्या 18 गुने 18 नहीं बच्चों ये प्लस है ना गुना का सिंबल बदला है तो इसलिए यहां पे क्या है प्लस होगा 18 और बराबर आना चाहिए 14 बोर्ड मास रूल आप सभी को पता है बी ओ डी एम ए एस बी का मतलब ब्रैकेट कोस्टक इसमें कहीं नहीं दिख रहा है ऑफ मतलब का का भी नहीं है डी का मतलब डिवाइड मतलब गुना भाग करेंगे एम का मतलब मल्टीप्लाई गुना करेंगे ए का एड जोड़ेंगे एस होता है सब घटाएंगे यानी पहले भाग करेंगे ये होगा 45 गुने का तीन अब ये मत सोचिएगा कि सर ये सत्ताईस के पारे में तीन नहीं आता है बच्चों आगे गुना है इसलिए अगर इसको हम ऐसे भी लिख दे तो और उसके बाद से माइनस का नौ प्लस अट्ठारह बराबर चौदह कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो ये देखिएगा तीन नवा सत्ताईस भाग किए और ये हो जाएगा नौ पच्चे पैतालीस ये नौ पच्चे पैतालीस क्या होगा नौ पच्चे पैतालीस पांच तो ये हो गया पांच माइनस नौ प्लस क्या होगा 18 बराबर का चौदह तो अठारह और ये पांच जोड़ेंगे तो अठारह पांच कितना हो जाएगा तेईस माइनस का नौ ठीक है उसके बाद से बराबर चौदह तो तेईस में से नौ जा तो कितना हो जाएगा बच्चों ये Uh, तेईस में से जा, चौदह बराबर चौदह यानी एल एच एस बराबर आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यानी बाहना पक्ष बराबर दाहिना पक्ष समीकरण हुआ संतुष्ट ऑप्शन नंबर बी हुआ सही क्लियर है तो ऑप्शन नंबर बी सही हाँ बताइए ऑप्शन नंबर कौन से सही हुआ बी सही हुआ कौन से सही हुआ बी सारे बच्चों का बी आंसर आ रहे हैं या कुछ ही के आ रहे हैं बताएं क्लियर है समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे हाँ वेरी गुड एकदम सही ऑप्शन नंबर डी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था नहीं मारना है पूरा देखना भी है भाग जाने से ही आंसर नहीं आ जाता है समीकरण भी सेटिस्फाई होना चाहिए ऐसे नहीं बताए क्लियर है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझ में आ गया है, तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए ठीक है और मन लगा के पढ़िए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ही आसान क्वेश्चन है बताए तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फाइव काफी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर देंगे आप लोग आ, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्द कोश में आते हैं अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं बोल रहे है। तो यह अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब पहले समझिए इंग्लिश डिक्शनरी मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है इनको क्रम में रखना है इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब ए बी सी डी के क्रम में आप इंग्लिश डिक्शनरी यानी डिक्शनरी खोलेंगे तो देखेंगे पहले ए से उसमें शब्द है फिर बी से सी से डी से ऐसे करके जेड तक ठीक है और ए वाले में ए से स्टार्ट होगा फिर ए बी ए सी मतलब ए ए ए ए ए बी सी डी ऐसे स्टार्ट होता है उसमें भी अल्फाबेट चलेगा तो यही चीजें आपको यहां पे देखना है आप देखेंगे कौन कौन से शब्द है नॉटी लिखा हुआ है नेचुरल है नेशनल है उसके बाद से नैगिंग है उसके बाद से नैपिंग है ठीक है बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताए तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे देखिए जो जो अक्सर इसमें कॉमन है ना उनको पहले देख लीजिए उनको आप ओ कर लीजिए ब्लॉक करिए पहले देखिए एन ए देखेंगे सब में कॉमन है एन ए एन ए एन ए एन ए, एन ए, ए ये कॉमन है उसके बाद से आगे, आगे आप देखेंगे अब अल्फाबेट देखा जाए तो यहां यू है यहां क्या है टी है यहां पे देखेंगे तो टी है फिर यहां पे देखेंगे तो जी है यहां पे देखेंगे तो पी है क्या है यू टी टी और जी पी तो बताइए ए बी सी डी पढ़ेंगे तो पहले क्या आएगा यू आएगा या टी आएगा या टी या जी या पी तो आप पढ़िए ए बी सी डी ई एफ जी मतलब जी पहले आया जी उसके बाद से एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी आएगा क्या आएगा पी के बाद से Q आर एस टी वाला आएगा उसके बाद यू आएगा मतलब सबसे पहले क्या है बच्चों जी तो जी आया तो इसका क्रम क्या है चार तो ये हो जाएगा चार जी के बाद क्या आया N ओ पी पी आया ना तो ये पांच ये हो जाएगा फिर उसके बाद से क्या होगा अब बताइए पी क्यू आर एस टी टी आएगा तो टी में देखेंगे दो में टी है फिर यहां देखेंगे यू है यहां पे आई तो आई पहले या यू पहले तो आई पहले हो जाएगा यानी तीन उसके बाद से यू हो जाएगा तो ये आपका हो गया फिर लास्ट में बच क्या गया लास्ट में बच गया है क्या बचा है यू वाला बचा है तो ये लास्ट में चला जाएगा एक नंबर यानी फोर फाइव थ्री टू वन फोर फाइव थ्री टू वन फोर फाइव थ्री टू वन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन क्या है फ्री के नंबर देते हैं बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना ये क्वेश्चन क्या है फ्री के नंबर देते हैं मतलब आपको अगर ए बी सी डी पता है तो आपका आराम से नंबर पता है ठीक है आराम से नंबर बन जाएगा मतलब ए बी सी डी पढ़े आंसर आपके सामने बस यही तो है इन क्वेश्चन में इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है ठीक है चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले समझ में आ रहा है सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए चलिए वेरी हाँ, गुड समझ में आ गया है देखिए समझ में आ गया है तो और आप सभी बच्चे की तैयारी कर, कर रहे हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम की तो उनके लिए बता दें एस एस सी जीडी एग्जाम के लिए एस एस मेकर ऐप पर हम लोग चला रहे हैं फौजी बैच हंड्रेड सिलेक्शन के लिए यह बैच चल रहा है इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेज एकदम

को करिए सुनिश्चित। बैच की जो फी है बच्चों मात्र दो सौ पचास रुपए है ऑफर एक जनवरी तक ही रहने वाला है यानी कल तक ये ऑफर है लास्ट डेट है तो बच्चे जरूर जुड़ जाइएगा अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो बैच से जुड़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप एस एस में करके हेल्प सेंटर नंबर सेवन जीरो एट जीरो वन जीरो एट ट्रिपल फाइव इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं साथ ही अब चलेंगे आगे क्वेश्चन देखेंगे सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स काफी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर आप लोग देंगे इंपॉर्टेंट है बहुत ही इस क्वेश्चन का आंसर देंगे क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में स्टार एस टी ए आर को एट डबल वन जीरो टू नाइन वन और गिफ्ट जी आई एफ टी को जीरो टू सिक्स नाइन सेवन के रूप में लिखा जाता है उस भाषा में डॉल डी ओ डबल एल को कैसे लिखा जाएगा इसका आंसर देंगे चार ऑप्शन आपके सामने है बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हा बताइए जल्दी से बताएं सर न्यू ईयर का ऑफर लगाइए सभी कोर्सेज पे ऐसे ही ऑफर आप लोग करेंगे ऐसे ही कम फी में आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है अच्छा यूपी पुलिस में अपना क्लास डलवाइए अच्छा जरूरत पड़ेगी तो दिला देंगे अभी जितनी क्लासेस चल रही उसे आप लोग ज्वाइन करिए उन्हीं को पहले पढ़िए बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक साथ आप लोग कमेंट करें सारे बच्चे कमेंट करें एक साथ कमेंट करिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे एक साथ कमेंट करके बताए बहुत आसान क्वेश्चन है एक साथ कमेंट करेंगे सारे बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है तरीका बस आपको देखना है नंबरिंग करना है और कुछ नहीं है टोपी लगा के आए कर ये ठंड लग जाएगा नहीं ये स्टूडियो में ठंड लगने का कोई चांस नहीं है ठीक है चलिए एक साथ आंसर दें आप लोग क्या होगा देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं कुछ और उनके जगह पे आगे देखा जाए तो नंबर में लिखा गया है क्या है एस टी ए आर स्टार बराबर एट डबल वन उसके बाद से जीरो टू नाइन वन है ठीक है उसके बाद से गिफ्ट जी आई एफ टी गिफ्ट बराबर क्या लिखा है जीरो टू सिक्स नाइन सेवन फिर उसके बाद से है डॉल डी ओ डबल एल डॉल का क्या होगा ये पूछ रहा है ठीक है देखिए कुछ नहीं करना है इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए एस क्या है उन्नीस है टी क्या है बीस है ए एक है आर अठारह है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा जी की आर नंबर कितने नंबर पे सात आई आता है नौ पे आगे देखेंगे एफ छे पे टी आता है बीस पे थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाइएगा तो अभी आप लोगों

तो इसको 02 कर दिया है मतलब पलट दिया है ये 19 है ना तो आप इसे देखेंगे तो इसे 91 कर दिया है क्लियर है समझ में आया ये कर क्या रहा है इसकी लॉजिक पता चल गई अगर लॉजिक पता चल गई तो इसका आंसर आप लोग दे दे देखिए कुछ नहीं करना है वही चीजें है बस देखिए डी4 पे ओ 15 पे और एल आ जाएगा 12 पे ये भी एल क्या होगा 12 पे ठीक है ये लास्ट से पहला किया है ये 12 वन टू है ना तो ये क्या हो जाएगा टू वन हो जाएगा ये 12 वन टू है ना तो ये क्या हो जाएगा टू वन हो जाएगा ये पंद्रह वन फाइव है ना तो ये क्या हो जाएगा आ, था था था। हो जाएगा ये फोर है, एक ही है तो इसे आप फोर ही लिख लीजिए यानी टू वन टू वन फाइव वन फोर टू वन टू वन फाइव वन फोर टू वन टू वन टू वन टू वन फाइव वन फोर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बताइए बहुत ही आसान है हाँ बस नंबर लिखना है अपोजिट करना है लास्ट से पहला स्टार्ट करना है बस यही चीज ये यह लास्ट है इधर आके क्या हो जा रहा है पहला हो जा रहा है पलट देना है और कुछ नहीं है बताइए क्लियर है समझ में आ गया है तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे एक साथ कमेंट करके आप लोग बताएं जल्दी से कमेंट करें बताएं क्लियर है समझ में आ गया है समझ में आ गया है वेरी गुड बहुत अच्छे एकदम सही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखेंगे एक कूट भाषा में डार्क कलर्स डी ए आर के डार्क कलर्स उसके उसके बाद बाद से से लिखा 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 है 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 को 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 फिर फिर ठीक क्या लिखा है पेंट ब्राइट को लिखा है डब्ल्यू यू आर यू के रूप में कूट किया जाता है शब्द में देखिएगा शब्द बोल रहा है पेंट पी ए आई एन टी पेंट लिखा है ना पेंट के लिए बोल रहा है कि पैंट के लिए कूट क्या होगा पेंट के लिए कूट क्या होगा ये बताना है बताए तो पेंट के लिए कूट क्या होगा देखिए कुछ नहीं करना है हम लोगों से पूछा क्या है पेंट के लिए कूट क्या होगा कुछ नहीं करना है पहले तो बस आपको यह देखना है कि पैंट किस लाइन में है बहुत आसान होता है ये वाला देखिए आप देखेंगे मिटा देते इसे अभी क्लियर हो जाएगा किस लाइन में है पेंट आप देखेंगे ये रहा पैंक ब्राइट है ना तो आप देखेंगे पैंक ब्राइट और ये है आपका ब्राइट क्लियर है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो या तो WU होगा इसका आंसर या RU होगा फिर देखेंगे इसमें क्या है ब्राइट है थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अभी आपको समझ में आएगा इसमें देखिए अभी ऐसे छोड़िए आपको बता रहे हैं। बस ऐसे देखिए ये इसमें एक ब्राइट है ना और कहीं देखिए ब्राइट आपको दिख रहा है ब्राइट डार्क कलर हां डेज आर ब्राइट है डेज आर ब्राइट तो आ यहां पर देखेंगे ब्राइट है ठीक है अभी देखिए अभी क्लियर हो जाएगा यहां पर ब्राइट है तो इन दोनों में देखना है डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू दिख रहे हैं यानी कि ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा डब्ल्यू यू ठीक है दोनों में कॉमन है ना दोनों लाइन में डेज आर ब्राइट लिख रहा है ना डेज आर ब्राइट लिख रहा है तो इसमें देखेंगे इसमें भी ब्राइट है तो इसमें डब्ल्यू यू डब्ल्यू अब हम लोगों के पास एक ही बच गया बचा क्या है बचा क्या है वो बचा है पेंट और इधर बचा है क्या आर यू तो आंसर आर यू हो जाएगा बस आर यू आंसर है ही नहीं टी यू टी यू दो ऑप्शन में हो गए हैं कोई नहीं एक ऑप्शन को आप आर यू कर लीजिएगा एक ऑप्शन को आप क्या कर लीजिए ना आर यू कर लीजिए बता रहे दो सेकेंड ऑप्शन नंबर सी को कर लीजिए आर यू ऑप्शन नंबर सी को आप कर लीजिए आर यू क्या कर लेंगे आप लोग आर यू आर यू ऑप्शन नंबर सी आंसर बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को ऑप्शन नंबर सी को आंसर बना लीजिए आर यू ठीक है ऑप्शन में नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं आर यू आंसर हो जाएगा ठीक है हाँ आर यू क्योंकि ये आपका दिख रहा है यहां पे बस आसान है इसमें तो कुछ भी नहीं करना है देखना है आंसर देना है जो कॉमन है हटा दीजिए जो बच गया वो आंसर हो गया बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है बताइए क्लियर है समझ में आ गया है सारे बच्चों को आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हाँ चलिए वेरी गुड समझ में आ गया है सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एट देखिए तो क्वेश्चन नंबर एट इसका आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर एट काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर छह विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर करके लिखिएगा बैठे हैं ए सी के बाई और ठीक बगल में बैठा है ई e, डी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है डी सी के ठीक बगल में बैठा है और बी ई e और एफ दोनों के लिखिएगा ठीक बगल में बैठा है किसी भी ओर से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं क्या बोल रहा है किसी भी ओर से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे ही दे सकते हैं ऐसे ही दे सकते हैं यह बोल रहा है किसी भी ओर से तो इसके लिए सॉल्व नहीं करना है प्रश्न को प्रश्न तो ऐसे ही सॉल्व है क्योंकि बोल रहा है किसी भी ओर से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं देखिए टोटल छह ही व्यक्ति है ना देखिएगा टोटल कितने व्यक्ति हैं एक दो तीन चार पांच छ देखिएगा किसी भी ओर से मतलब दोनों तरफ से बराबर ही होंगे दोनों तरफ से जब बराबर है तो एक जगह सी जगह बी होगा इधर से भी दो इधर से भी दो Osionfish. अगर यहां पे हो जाए अगर यहां पे हो जाए तो किसी भी ओर से दो दो नहीं होगा ठीक है अगर मान लीजिए सी वहां ना हो गए यहां पे हो जाए तो इधर से एक हो जाएगा उधर से तीन होने लगेगा जब ये बोल रहा है तो इसके लिए बनाने की डायग्राम जरूरी ही नहीं है बनाना नहीं है क्योंकि बोल रहा है किसी भी ओर से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं तो किसी भी ओर से देखा जाए तो दो ही अधिकतम व्यक्ति हो सकते हैं ठीक है बस आंसर दे देना है बस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बनाएंगे ठीक है चलिए समझा देते हैं प्रश्न में कुछ नहीं है समझा देते हैं देखिए अब आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का आप लोग प्रयास भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार इसको ध्यान से आप लोग देखिए ठीक है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि छह विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं ए सी के बाई और बगल में बैठा है ए है सी के बाई और देखिएगा सबका मुख कहा है बच्चों केंद्र की ओर है यानी सबका मुख बीच में है कहा है बीच में है मतलब केंद्र की ओर ही सबका मुख है ठीक है सबका मुख कहा है बीच में कह रहा है ए सी के बाई और सी के बाई और मतलब इधर हो जाएगा ए क्योंकि बीच में मुंह है ठीक है आगे बोल रहा है ई e, डी के दाई और तीसरा अभी हम लोगों को ई e और डी के बारे में जानकारी नहीं है ए और सी के इसलिए ई e और डी को छोड़ेंगे कह कह रहा है फिर आगे देखिए डी सी के बगल में बैठा है डी कहां है सी के बगल में तो उधर तो होगा नहीं इधर ही होगा यानी डी हो जाएगा यहां पर फिर आगे देखिएगा आगे बोल रहा है बी बी वाला भी छोड़िए बीई एफ e, को छोड़ दीजिए फिर आगे देखिए आगे अगर बात करें बच्चों इसे ई e वाला ई e, डी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है ई e कहां है डी के दाई और दाई और देखेंगे पहला दूसरा तीसरा कौन है ई e है ई e बोला है डी के दाई और तीसरे स्थान पे है फिर आगे देखिएगा और कोई लाइन छूटा हुआ है नहीं आगे देखिए बोला है क्या बच्चों यहां पे बोला है ये बी बी जो है बच्चों ई e और एफ दोनों के ठीक बगल में है बी कहां है ई e और एफ यानी बी यहां पे हो जाएगा और ई e और एफ क्या हो जाएंगे ई e और एफ दोनों के बगल में होगा यानी कि बीच में अब यही प्रश्न बन गया पूरा का पूरा अब बोल रहा है किसी भी ओर से सी और बी के बीच में कितने हैं तो आप देखेंगे सी और बी सी और बी है कहां देखेंगे बी यहां है और सी यहां है तो इनके बीच में अगर इधर से देखे तो कितने लोग हैं एक दो अगर इधर से देखे तो एक दो यानी कि अगर बात करें बच्चों हम अगर बात करें बच्चों हम तो अगर इधर से देखे या इधर से देखे तो आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा बच्चों बताइएगा आंसर होगा दो ऑप्शन नंबर सी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एक साथ बताइए समझ में आ गया है ये क्वेश्चन क्लियर है क्लियर है तो आगे चलेंगे नहीं क्लियर है तो दोबारा समझाएंगे एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो कमेंट करके बताए क्वेश्चन क्लियर है समझ में आ गया है चलिए समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कमेंट करके बताइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी बस सॉल्व किए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके समझ में आ गया तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान इसका आंसर आप लोग देंगे कागज को मोड़ने और मोड़ के खोलने पे और काटने पे ही कागज को मोड़ा गया फिर कुछ आकृति काटी गई है फिर खोला जाएगा तो कैसा दिखेगा ये क्वेश्चन है ठीक है चलिए अभी जूम कर लेते हैं एक बार इसे पढ़ लीजिए कह रहा है नोवा काफी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन आपके सीसी एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेगा क्वेश्चन है एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है कागज की कागज की कागज की तह खुलने पर कागज देखिएगा कागज अगर खोला जाए मोड़ के उसको देखिए लिखिएगा कागज को खोल खुलने पर यह कागज लिख लीजिएगा खा, कागज खुलने पर कैसा दिखाई देगा यहां पर लिख लीजिएगा ऐसे कर लीजिए ढेर ज्यादा सेंटेंस मत सोचिए यह कागज खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा कागज खुलने पर कैसा दिखाई देगा ऐसे लिख लीजिए हटा दीजिए कागज खुलने पर कैसा दिखाई देगा तो इसे हम आप लोगों के लिए जूम कर देते हैं बहुत से बच्चों की ही रहता है कि स्पष्ट नहीं दिखता है जूम कर दीजिए तो चलिए जूम कर देते हैं देखिए यहां पे डायरेक्ट जूम करके ला रहे हैं ठीक है थीके? बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। अब आप लोगों को हमें लग रहा है स्पष्ट दिख रहा होगा स्पष्ट दिख रहा है तो आंसर आप सारे बच्चे देंगे ठीक है इसका आंसर आप लोग दीजिए चलिए कागज है चौकोर ऐसे मोड़ा गया फिर उसको ऐसे मोड़ा गया फिर इस पे यह तीन आकृति काटी गई अब इसको फिर खोला जाएगा तो कैसा दिखेगा बताइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है नहीं दिख रहा है स्पष्ट दिखना चाहिए दिख रहा है देखिए साइड हो जा रहे हैं अब आप लोगों को दिखेगा चारों ऑप्शन आपके सामने है आंसर बस दे देना है कुछ है नहीं इस प्रश्न में इस प्रश्न में तो डायरेक्ट आंसर है क्योंकि प्रश्न क्या है देखिए ये देखा जाए तो पहले मोड़ दिया गया एक पार्ट फिर एक आपको ऐसे मोड़ दिया गया दूसरा यानी देखा जाए खुलेगा तो ये क्या होगा ऐसे खुलेगा फिर ऐसे खुलेगा यानी ये चार भाग में देखा जाए तो ये चार भागों में मुड़ा हुआ है ठीक है तो देखिए इसको आप क्या कर लीजिए कुछ नहीं सारे इमेज को ना आप चार भाग में बांट लीजिए क्या कर लीजिए चार भाग में बांटिए देखिए कैसे बांटना है ऐसे करिए थोड़ा सा पतला कर दे रहे देखिए ऐसे बांटिए और देखिए कि किस पार्ट में ऐसा हो रहा है जैसा इमेज काटा गया है किस पार्ट में हो रहा है सबको देखिएगा अभी आपको आंसर दिखने लगेगा दो सेकंड में आंसर आपके सामने होगा बताइए कौन सा होगा एक साथ देखिए बताइए कौन सा आंसर होगा देखिए अगर पहले की बात करें ये कॉर्नर वाला देखना है पहले में जो सेम का सेम मिल रहा है आप देख रहे हैं यहां पे सर्कल है यहां पे स्टार है यहां पे एक वर्ग है तो सर्कल स्टार वर्ग ठीक है अब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये यहां पर तो हाँ देखा जाए तो पहला ही सही है अगर ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे बोल रहे हैं तो देखिए यहां पर देख रहे हैं ये सर्कल है लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया वर्ग और यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्ग है तो यहां पर हो गया सर्कल इस वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो ये बीचो बीच आ रहा है ये बीचो बीच तो होगा ही नहीं बीचो बीच कैसे हो सकता है क्योंकि ये साइड में है तो ये साइड में ही तो होना चाहिए अगर इसकी बात करें बच्चों तो इसमें दो ही फिगर दिख रहा है तो ये भी गलत ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही हो जाएगा और जितने स्टूडेंट आंसर ए दे रहे हैं वो एकदम सही है बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया है समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे आसान क्वेश्चन है बताइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है समझ में आ गया है सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें तो कुछ है ही नहीं समझ में आ गया है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन uh, नंबर अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नंबर का क्वेश्चन देखिए दस नंबर भी बहुत आसान है इसका आंसर आप लोग देंगे एक साथ आंसर देंगे और सारे बच्चे आंसर देंगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िए पहले तो उसके बाद आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दस इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखेंगे क्वेश्चन है एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है पांच दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए के के विपरीत 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 क्या क्या होगा होगा देखिए यहां यहां पे है, यहां पे है 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 इसमें भी है। इसके लिए वॉइस क्लियर है ना हाँ वॉइस नहीं आ रही है या स्पष्ट है कुछ बच्चे ऐसे ही कॉमेंट करने लगते हैं वॉइस नहीं आ रही है वॉइस नहीं आ रही है वॉइस आ रही है ओके चलिए बताइए क्या होगा विपरीत के लिए क्या करते हैं विपरीत के लिए क्या करते हैं बताइए आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे चलिए आंसर दे रहे हैं। नाम लेने चाहेंगे चलिए कामिनी शुक्ला उषा कुमारी अजय कुमार उसके बाद से अभिषेक पटेल चलिए आंसर दियो आंसर सारे बच्चे फिर उसके बाद से हा सूरज उसके बाद से कृष्ण कुमार मीरा उसके बाद से ललिता फिर उसके बाद से मंजीत उसके बाद से तसीफ खान फिर अभिषेक मीना चलिए बहुत अच्छे आंसर दे नहीं आंसर नहीं दिए ठीक है कुछ कुछ बच्चे दे रहे हैं बाकी हाँ मैक्सिमम बच्चे सही दे रहे हैं राजकुमार निषाद पीयूष पीयूष साहू फिर उसके बाद से रोहित विजय रवि सोमवीर सागर बॉबी ओराव अच्छा आलोक गौतम अभिषेक नंदिनी आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं देखिए प्रश्न में आप देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है पांच का विपरीत और पांच क्या है सब में जब जिस संख्या का विपरीत पूछे और वो संख्या सब में हो और आपको पता है कि एक डाइस में छह फलक होते हैं और एक से छह तक अंक हो, अंकित होते हैं यानी एक दो तीन चार पांच छ छ फलक होते हैं ना तीन दिख रहा है तीन इसके अपोजिट ठीक है अपोजिट मतलब ऊपर वाले के एक नीचे और इसके एक साइड इस, इस साइड और एक इस साइड क्लियर है समझ रहे या आप देखें तो एक ये वाला फलक ये हो जाएगा दूसरा इधर जाएगा तीसरा ये, चौथा ये जाएगा पांचवा और नीचे एक चला जाएगा छठा ठीक है यही छह होंगे और पांच के अपोजिट हम लोगों से पूछ रहा है तो पांच के आप देखेंगे अपोजिट में तीन और चार नहीं होगा यानी पांच के नीचे तीन चार नहीं होगा क्यों क्योंकि तीन और चार इसके बगल वाले फलक पे है। तो पांच के अपोजिट इसी का अपोजिट बताना है ना तो तीन और चार नहीं होगा एक, एक हो 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 तो से कट गया है तो होगा क्या पांच के अपोजिट छ होगा बस पांच के अपोजिट अपोजिट पांच ठीक है पांच के अपोजिट क्या होगा छे या कहिए छे का ही है इस प्रश्न इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और कुछ भी नहीं इसमें करना ही नहीं है आप बिना देखे आंसर दे सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है एक से छह तक इन पासों में नहीं दिख रही है तो आप देखेंगे छह ही एक ऐसी संख्या है जो इन पासों में नहीं दिख रही है और वही क्या हो जाएगा बच्चों अपोजिट हो जाएगा क्लियर है समझ में आ गया है बताइए समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कॉमेंट कर दीजिए एक साथ कमेंट करके बताइए और जल्दी से आप लोग एक बार ये कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं दस क्वेश्चन कराए हैं कमेंट करके अपना स्कोर बताएं एक बार हम देखना चाहते हैं आप लोगों का क्या स्कोर रहा आज की क्लास में ठीक है हां आज की आज का स्कोर क्या रहा एक बार कॉमेंट करके बताए सारे बच्चे कमेंट करके बताएं और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए अच्छा लगा है सभी के सभी बच्चे लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और मन लगा के पढ़िए आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को बताना चाहेंगे एस एस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बच्चों एस मेकर ऐप पे हम लोग चला रहे हैं फौजी बैच हंड्रेड परसेंट सलेक्शन के लिए यह फौजी बैच चल रहा है फौजी बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाई चैप्टर चल रही है आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हूं वीक है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फौजी बैच से जुड़िए पढ़िए और अपने सिलेक्शन को हंड्रेड सुनिश्चित करिए फौजी बैच की जो फी है बहुत ही कम है मात्र तीन ठीक है हाँ आप लोगों को बता दें यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए एस एस सी मेकर ऐप पर हम लोग चला रहे हैं सिपाही बैच हंड्रेड परसेंट सलेक्शन के लिए सिपाही बैच चल रहा है सिपाही बैच में आप लोगों के लिए बच्चों फ्री में चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स यह क्रैश कोर्स बच्चों आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा और नए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स रहने वाला है क्योंकि कम समय में आपकी जबरदस्त तैयारी कराने के लिए ऐप पर क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन के लिए चलाया जा रहा है तो जुड़िए क्रैश कोर्स से और अपनी तैयारी को करिए और भी मजबूत और भी बेहतर और सिलेक्शन को करिए सुनिश्चित बैच की फी बच्चों मात्र दो सौ पचास रुपए है ऑफर एक जनवरी 2024 तक ही रहने वाला है ठीक है हां संपूर्ण क्लास आपकी बेसिक्स है आप सभी को पता है बैस से जुड़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो सेवन 70... जीरो एट इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं ठीक है बिहार एसएससी के लिए भी एक स्पेशल बैच चल रहा है एसएससी एस सी मेकर के ऐप पे हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं बिहार एसएससी हो गया यूपी पुलिस हो गया एसएससी जीडी हो गया हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है एस एस सी मेकर ऐप पे तो आप एस एस सी मेकर ऐप को डाउनलोड करिए जुड़िए लेटेस्ट बैच से जिस एग्जाम की तैयारी कर उस बैच से जुड़ के और अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को करिए सुनिश्चित ठीक है मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए तो आज की क्लास को बच्चों हम हम यहीं तक रखेंगे बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ईयर ठीक है नेक्स्ट ईयर समझ रहे हैं अगले साल ठीक है क्योंकि आज जो है ना वो आपका साल निकल जाएगा 2023 ठीक है तो अब मिलेंगे आपसे 2024 में कल आपकी जो क्लास होने वाली है वो होगी मैथ्स की शानदार और जबरदस्त क्लास तो सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे ठीक है और मन लगा के आप लोग पढ़ेंगे ठीक है चलिए हाँ देखिए कोई भी किसी प्रकार की आपको कोई डाउट है मन में क्वेरी है कुछ पूछना है तो आप हमें एस एस सी मेकर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एस एस सी मेकर सर्च करके फॉलो करके जोड़ जाइए वहां पे आप मैसेज करेंगे ठीक है हाँ सारे बच्चे चलिए हाँ आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए इस क्लास की पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी पीडीएफ वाले सेक्शन में वहां से आप पीडीएफ को आप वहां से क्या करिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करिए आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करिए जिन बच्चों के क्वेश्चन कम आ रहे हैं जो बच्चे कम कर बता रहे हैं क्लास बहुत ही अच्छी लगी है शानदार लगी है जबरदस्त लगी है अच्छी बात है ठीक है हाँ आप सभी को आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर ठीक है हाँ नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कल नया साल है कल से आप लोगों की दिनचर्या भी बदल जानी चाहिए अपना पुराना जो गलत कामों में जो व्यस्त थे ना उनको छोड़ दीजिए जो टाइम बर्बाद करते थे ना उसे छोड़ दीजिए नए साल में नए एनर्जी के साथ आप लोग आगे बढ़िए और नए साल में आप लोगों का ही सिलेक्शन हो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए नए साल में जबरदस्त तरीके से उम्मीद करते हैं सारे बच्चे सिलेक्ट होके आप लोग नए साल में हमसे जरूर मिलेंगे ठीक है दो साल यादगार होना चाहिए सारे बच्चों की नौकरी होनी चाहिए ठीक है मन लगा कि पढ़िए बहुत ज्यादा आप लोगों की संख्या नहीं है पढ़ने वालों की संख्या कम है आती है वैकेंसी ज़्यादा आती ठीक बेरोजगार हैं मेहनत नहीं कर रहे हैं मेहनत जो कर रहे तो हैं कहीं सफल ही है तो मेहनत पे विश्वास रखिए सफल होंगे सारे बच्चे होंगे ठीक है अच्छे से पढ़िए चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए मन के पढ़िए आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर ठीक है मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम लखनऊ की वो नबाबी और गोरखपुर में विराजित गोरख धाम इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है साठ हजार से भी अधिक पुलिस कर्मियों की जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100 प्रतिशत सिलेक्शन की गारंटी तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें